हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको मासिक कप यानी मेंस्ट्रुअल कप के अलग अलग फोल्ड्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने मासिक कप पहनने की कोशिश करी और वो पहनकर ढंग से खुला नहीं, और ज़्यादातर ये तकलीफ सॉफ्ट यानी जो मुलायम कप होते हैं उनके साथ आती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुलायम कप को किस तरह पहन सकते हैं ताकि वो आसानी से खुल जाए। ये टिप्स आप किसी भी कप पर लगा सकते हैं और आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जो इस चैनल में नए हैं, मेरा नाम प्रियंका है और मैं महिला स्वास्थ्य और पीरियड प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। पीरियड प्रोडक्ट्स जो आप बार बार यूज कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल कप और कपड़े के पैड और पीरियड पैंटी। आपको अलग अलग फोल्ड्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको अपने मासिक कप यानी मेंस्ट्रुअल कप के एयर होल्स के बारे में पता रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो हर मासिक कप के रिम के नीचे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, छोटे से सुराख होते हैं जिससे हवा अंदर जा सकती है। जब आप कप पहनते हैं तो इन एयर होल्स में से हवा कप के अंदर जाती है और उसको खोलने में मदद करती है। पहनने से पहले आप जब भी कप को मोड़ते हैं तो ध्यान रखिए कि जो कप का एयर होल है, कोई भी एक एयर होल उस मोड़ के अंदर होना चाहिए। तो आप वहीं पर अपनी उंगली रखिए, तो आप किसी भी एयर होल पे अपनी उंगली रखिए और वहीं से कप को मोड़िए और पहनिए। इससे आप जब कप पहनेंगे तो एयर होल में से हवा अंदर जाएगी और कप आराम से खुल जाएगा। दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जब आप कप को मोड़ते हैं तो उसका मुड़ा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ रखिए उसे पहनते समय। अगर हम इस डायग्राम में देखें जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं, और ये हमारा गर्भाशय और योनि है जहाँ से मासिक के दौरान खून निकलता है और हम कप पहनते हैं। हमारे शरीर में एक हड्डी यहाँ रहती है और जब हम कप पहनते हैं और वहाँ पे मुड़ा होता है तो ये हड्डी उसमें अटकती है और कप को खुलने नहीं देती। तो मैं हमेशा यह सलाह देती हूँ कि कप को मोड़ के इस तरह पहनने के बजाय हम उसे घुमा लें और मोड़ को दूसरी तरफ करके ऐसे पहने। अब जो हड्डी है वो कप के मोड़ की पीछे की तरफ रहती है और जब आप उसे पहनते हैं तो वो कप को खुलने में मदद करती है। अब मैं आपको 5 ऐसे मेंस्ट्रुअल कप के फोल्ड्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत आसान है और हर कोई यूज़ करता है और हमेशा काम आते हैं। सबसे पहला फोल्ड है सी फोल्ड। यह सबसे आसान और मेरा फेवरेट तरह का फोल्ड है। आपको बस कप को बीच में से ऐसे दबाना है और फिर से मोड़ देना है। तो बस ऐसे मोड़ के पहनिए और अगर नहीं खुलता तो आप उसको घुमाइए और फिर पहनिए, तो आपकी जो हड्डी है वो इसको खुलने में मदद करेगी। अगला फोल्ड जो काफ़ी महिलाओं के काम आता है वो है पंच डाउन फोल्ड। इसमें भी जैसे मैंने कहा था कि एयर होल का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो जहाँ पर होल है मैं वहाँ से उंगली डाल के उसको कप के बीच में फोल्ड कर देती हूँ इस तरह। इस फोल्ड का यह फ़ायदा है कि जब आप ऐसे मोड़ते हैं तो जो ऊपर की एंट्रेंस है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। ज़्यादातर महिलाएं इसे मोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में पहनती हैं और लगाते समय जो हड्डी है वो यहाँ पर अटकती है और कप को कई बार खुलने नहीं देती। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसको घुमाएं और फिर पहनें और ये आसानी से पहनते ही खुल जाएगा। अगला फोल्ड जो सॉफ्ट यानी मुलायम कप के साथ काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेबिया फोल्ड है। इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार हाथ फिसलते हैं, पर एक बार आप इसको फोल्ड करके इंसर्ट जब करते हैं तो ये एक सेकंड में बहुत आसानी से खुल जाता है। इसमें कप को ऐसे साइड से पकड़िए और कप के बीच में ही रिम को घुसा दीजिए ऐसे, और फिर उसे साइड से ऐसे पकड़ लीजिए और जैसे ही इंसर्ट करेंगे एकदम से खुल जाएगा। अगला कप जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वो है 7 फोल्ड यानी नंबर 7। काफ़ी आसान है इसे करना। कप को ऐसे पकड़ें और यूं मोड़ दें तो ये 7 नंबर के जैसे दिखता है। इसको इंसर्ट करें और अगर इंसर्ट करने के बाद ना खुले तो आप अपनी उंगली से यहाँ पर इसको खोल सकते हैं। आज का आखिरी और 5वां फोल्ड है डायमंड फोल्ड। इसमें आप कप को यहाँ से बीच में से दबाते हैं, फिर ऊपर से इसकी रिम को नीचे लाते हैं और दोनों साइड्स को इकट्ठा बीच में जोड़ देते हैं। आप इसको ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हैं, पर अगर कप को और छोटा करना चाहें तो एक बार और ऐसे मोड़ सकते हैं।
ऐसा करने से पूरा कप बहुत ही छोटा हो जाता है और ज़्यादातर छोटी लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ इसको यूज़ करना पसंद करती हैं। इस फोल्ड का भी फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही इसे पहनते हैं, ये अंदर घुसते ही बहुत आसानी से जल्दी से खुल जाता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और अगली बार आप जब कप पहनेंगे तो आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए सबसे बढ़िया फ़ोल्ड कौन सा रहा और आप कौन सा फ़ोल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कप के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए, या फिर मेरे और वीडियोस हैं कप्स के ऊपर के कैसे पहने, कैसे यूज़ करें, ये लीक क्यों कर रहा है, आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए। धन्यवाद।